हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टम्बल गाइस वीडियो। तो आ चुके हम लोग एक और गेम प्ले के साथ गाइस। तो जंगल रोल आ चुका है पहले राउंड में। तो हमें क्या करना गाइस, ट्रिक करनी है। और क्या ही ट्रिक करता हूँ यार, खुद को देख के ही मजा आ जाता है। मतलब जब ट्रिक होती है ना तो ऐसे सेटिस्फेक्शन फील होता है। लेकिन मैं बहुत जल्दी आ गया यार, और लग ही रहा था मुझे यार ये क्या किया यार, ऐसा ग्लिच क्यों। वहां तक जो मैं चल के गया हूँ क्या फालतू गया था है? मतलब ये कौन गिनेगा कि मैं यहाँ तक आया था। स्टम्बल गाइस क्या मतलब गजनी वाली मेमोरी प्रॉब्लम है क्या भाई, यहाँ तक मैं आया था ये भूल जाते हैं और सीधा स्टार्टिंग में भेज देते यार। मतलब मेरे साथ हर बार ग्लिच होता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम सब लोग एक साथ नीचे गिरे लावा रश में और मुझे स्टार्टिंग में भेजा, सिर्फ मुझे, बाकी सबको वहीं पे मिला स्पॉन। ये सोच रहे हो इतनी नाइंसाफी। अब ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ, देखो मैं बाहर हो जाऊँगा ना तो मेरी गलती नहीं है गाइस। मैं अगर बाहर हो गया तो, वैसे तो नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग होंगे नहीं आगे, लेकिन तब भी यार चांस हो सकता है। दो तीन बंदे हैं वैसे, आ जाऊँगा मैं आराम से। और ये फ्लोर फ्लिप आ गया यार पकाने के लिए, और इतने सारे स्पेशल स्किन वाले बंदे हैं कि मैच में दो तो दिख गए मुझे। अच्छा दो ही हैं और मैं निकल नहीं पाया, एक ही बंदा निकला यार सिर्फ। मुझे लग रहा है सब तो नहीं निकल गए यार, देखना पड़ेगा। ज़्यादा लोग निकल गए होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक ही बंदा निकला है स्पेशल स्किन वाला, बाकी हम लोग तो सब के सब नीचे रह गए और सब के सब मुक्के मार रहे हैं भाई। अब मुझे ना, अरे यार ऊपर हुआ था हल्का सा, लेकिन और थोड़ा सा हो जाता तो मैं निकल जाता। इन लोग को मुक्के मार के नीचे करना पड़ेगा, पहले तो इसको भगाओ नीचे। गया क्या? अरे यार मैं ही गिर गया, ये भी गिर गया। और वहाँ पर यार कैसे निकलेंगे यार, इन लोग को जल्दी ऊपर करना पड़ेगा। मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा है ना, फिर ऊपर करते हैं हम लोग। और ये बंदा ही पीछे आ गया यार, ये तो यार मतलब कौन है यार इतना बड़े दिल वाला इंसान। मतलब पीछे आके इसने खुद नीचे किया है गाइस ताकि हम लोग आ सके। ये तो बहुत ही अच्छा बंदा होगा, मुझे लग नहीं रहा है कहीं से भी नुबड़ हो सकता है। हालांकि इसके पास स्पेशल स्किन है, लेकिन नहीं होगा नुबड़। और मेरी पिंग इतनी खतरनाक तरीके से जा रही है ना कि मैं कभी भी नीचे गिर जाऊंगा ऐसा लग रहा है। पता नहीं इतनी गंदी पिंग क्यों आ रही है, और मैं सेकंड पे आ चुका हूं बस इस। अच्छा ये भी है क्या? ओके तो आ तो जाएंगे वैसे। आगे हम लोग, चलो ऊपर कर दो जल्दी से यहाँ से। ये निकल गया यार, यहाँ से ऊपर करना जरा, यहाँ से कर दो। अरे कोई तो कर दो यार, मैं लेट नहीं हो जाऊँ। ऑलरेडी हम लोग लेट है, बाहर हो जाएंगे जल्दी नहीं पहुँचे तो। चलो यार मैं निकल गया। वो देखो उस अच्छे इंसान को बाहर कर रहा था, लेकिन उसके पास मुक्का है। मैंने अभी देखा गाइस जिसके पास मुक्का है बंदे के पास, और ये मार भी रहा है। मतलब ये नूबड़ भी है, इसको जीतना भी है, तो ये पीछे क्यों आया? वो देखो रुक के मार रहा है लोगों को। और ये आ चुका है फाइनल में पेंट स्प्लैश। मेरी पिंक तो खतरनाक ही जा रही है, पता नहीं जीत पाऊंगा कि नहीं यार ऐसी खतरनाक पिंक के साथ। अभी सामने जाता हूँ, ये मुझे मुक्का मार देगा, मुझे लग ही रहा था। ये नूबड़ ही है यार, हर स्पेशल स्किन वाला मतलब नूबड़ निकल ही जाता है। इतना अच्छा मैंने इसको सोचा था, लेकिन ये नूबड़ ही निकल गया लास्ट में, और फ्री की जीत मिल रही है इसको। लेकिन मैं बूस्ट लेके शायद जा तो सकता हूँ। चलो आ गया हूँ, थोड़ा बहुत कवर कर लिया मैंने, बस इसके थोड़े और आगे निकल जाऊँ। ये देखो इसने ट्रिक ही नहीं करी, लेकिन अब पीछे से आके मुझे मुक्का मारेगा। नहीं यार मुक्का नहीं पड़ना चाहिए, बच गया, मिस हो गया इसका मुक्का, और इसी के साथ जीत गया मैं। अच्छा हुआ मुक्का खाया नहीं हमने। और अब आ चुका है आईसी हाइट्स, और पूरा लेफ्ट में स्पॉन मिला है खतरनाक वाला बिल्कुल। ये देखो क्या हो रहा है, ट्रिक आधे में फेल कैसे हो गई, ये बीच में यह डंडा कैसे लग गया? वैसे तो लगता नहीं, आज पेट टकरा गया लग रहा है इसका, मोटा हो गया बंदा मेरा। थोड़ी डाइटिंग वाइटिंग करा के लाना पड़ेगा इसको। अभी सामने से ये बॉल यार, मेरे को ना किस्मत खराब लग रही है। देखो हर जगह से बॉल पड़ रही है, मतलब बंदा अंदर जाए कैसे यार। मैं ट्रिक भी नहीं करूँगा अब तो, मैं सीधे जाने वाला हूँ। अभी ट्रिक करूँगा ना तो पक्के में फेल हो जाएगी, और फिर मैं और लेट हो जाऊँगा। अभी एक ही बंदा क्वालिफाई हुआ है, और इस बार फाइनल में आया ओवर एंड अंडर, तो प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी है। जीत तो सकता हूँ मैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम एक मैच हार भी चुके हैं नूबड़ के कारण इसमें, तो उसका भी मुझे देख के रखना पड़ेगा पूरा। और लीड ले ली है मैंने, बस और थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, बस अब लीड थोड़ी सी बढ़ा ली है मैंने। बस गाइस यहाँ से तो अब आपको मालूम है क्या करना है, पहले मैं आगे जाना है, फिर एक बूस्ट लेना है। बस यहाँ पे ट्रिक हो जाएगी तो वैसे ही हम लोग जीत जाएंगे, और यहाँ पे ट्रिक हो भी गई है गाइस, तो जीत गए एक और बार ओवर एंड अंडर में। हम लोग आ चुके हैं वापस, और इस बार आया है सुपर स्लाइड, तो राइट साइड से चलते हैं यार। पिंग तो खतरनाक ही गंदी आ रही है, देखो ये जियो वाले भाई, रिचार्ज कर दूंगा यार मैं क्यों, मतलब यार मैसेज करके बताना यार, है मेरे पास वाईफाई यार, जब मेरा मन करेगा तब रिचार्ज कर लूंगा। ऐसे ये लोग मैसेज घुसा के पूरा क्यों डाल देते हैं भाई, पूरा स्क्रीन ही रुक जाता है। अभी इन लोग के कारण बाहर हो जाऊंगा मैं, जियो वालों के कारण, देखना गाइस। अभी देखते वैसे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आगे निकलते हैं अपन लोग, जल्दी से ट्रिक करनी पड़ेगी बहुत ही खतरनाक वाली, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, वरना एक और बार
अगर इसका मैसेज आ गया ना तो सीधा बाहर हो जाऊंगा मैं। अब मैसेज मत डाल देना भाई तुम लोग। अभी आगे देखता हूँ कितने लोग हैं, एक भी नहीं हुआ अभी तक क्वालिफाई, एक बंदा आगे दिख रहा है मुझे वैसे। तब भी क्या बताओ और लोग हो यार यहाँ पे, ट्रिक मैं ढंग से कर लूँ। थोड़ी सी और निकल गई, यहाँ पे हो गई है ट्रिक और आ गए हैं थर्ड पोजिशन पे। और फिर से पेंट स्प्लैश आ गया फिनाले में। बताओ यार कितनी बार आता है वैसे पिंग नहीं आ रही मेरे को यार, ये गलत लगता है। ये लेफ्ट साइड में जा रहा है पंखा, हम भी लेफ्ट से चलते गाइस। अगर इस साइड से जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा फायदा मिल जाएगा शायद से। ये दोनों तो सेम ही साइड घूम रहे भाई, ये क्या बॉडी लगा रहा है। मन तो कर रहा है इसको लात मार के साइड कर दूं, लेकिन ऐसी बॉडी लगा रहा ना यार, ये क्या ही करूं मैं। अच्छा वो तो मैं इसके आगे निकल गया, वरना बॉडी मार मार के हरा देता। इधर लगता है थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलो पहुंच गए हैं, वैसे इतना रिस्की था नहीं। ये सामने के सारे नीचे हो गए यार। अरे यार ये नीचे हो जाएगा मेरे पहुंचते पहुंचते, लग रहा है नहीं हुआ। चलो गाइस जीत चुके हम लोग बॉडी खाने के बाद भी, और पीछे कोई भी नहीं दिख रहा। तो हमारे चौथे गेम में आ चुके हम लोग गाइस। अब आईसी हाइट्स की ट्रिक करके चलते हैं ना जल्दी से। भाई ये केला ट्रिक करके निकल गया बीच वाली, कहाँ निकल लिया रे, बहुत आगे निकल गया भाई। ये तो दिख भी नहीं रहा, बस एक शेडो दिखी थी मुझे केले की और कुछ भी नहीं दिखा। बहुत तगड़ी ट्रिक करके निकला ये, मेरी ट्रिक हुई थी वरना मैं इसके आगे निकल जाता, क्योंकि वाली ट्रिक में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है लेकिन अपनी ट्रिक में नहीं लगता है। इधर बॉल देखो सामने से आती जा रही है, मैं सोच रहा था मुक्का मार के हटा दूं लेकिन अच्छा वो नहीं पड़ी। चलो अब सीधे चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पे पिंक फिर से जाने लग गई भाई मेरी। पिंक का आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहती है, मोबाइल डाटा वाईफाई सब ट्राई कर लिया लेकिन पिंक नहीं मान रही। और लॉस्ट टेम्पल आ चुका है सेकंड राउंड में गाइस। तो आरियो से बच के निकलना, ये आरियो किस साइड जाएगी, लेफ्ट जाएगी है ना, तब निकलना है मुझे। ओके अब निकलते हैं और यहाँ पे सीधा निकलते हैं और यहाँ काट आएंगे, हमें थोड़ा राइट से जाना है ना ताकि ट्रिक हो जाए। वैसे ट्रिक तो हुई नहीं लेकिन ठीक ठाक है, थोड़ा लेट आए थे हम लोग तो ट्रिक नहीं होगी, ये वाली ट्रिक जरूर करेंगे और हो गई बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं आगे जल्दी से। ये दोनों में से मुझे कोई तो नंबर लग रहा है लेकिन पता नहीं कौन है। ये कितनी जल्दी पीछा कर रहा है यार मेरा, मुक्का तो नहीं मानने वाला। और थोड़ा सा ब्रेक ले लिया इसने, इसी का फायदा उठा के हम लोग और आगे निकल चुके हैं। बस अब मुझे यहाँ पे एक ट्रिक है जो करनी है बहुत जल्दी अगर पहुंचना है तो। यहाँ से निकलते हैं, अरे यार नहीं निकल पाया, अगर निकल जाता ना तो बहुत कुछ सीख जाते हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो फाइनल में आया है लेजर ट्रेजर गाइस। तो इसमें आपको तो मालूम है लेजर को अवॉइड करना है हमें, लेकिन साथ में नूबड़ को भी अवॉइड करना है। लेकिन अभी तक मुझे लगा नहीं किसी ने मुझे मुक्का मारा है ना, नहीं मारा है और शायद से किसी के पास नहीं होगा। देखो सारे बिना इमोट वाले ही लग रहे हैं, तो अच्छा है गाइस ईजी खेलेंगे। अरे भाई ओके निकल चुका है एक एस्ट्रोनॉट नूबड़ इसको, अरे एक और नूबड़, दो दो नूबड़ यार, एक होता है तो ठीक रहता है, अब दो से बचना यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तब भी मैं ट्राई करूंगा जीतने के लिए है ना, 1v2 आज क्लच मारना ही पड़ेगा। पहले इसको बाहर करता हूँ उसके बाद दूसरे वाले को देखूंगा है ना, नहीं तो जो हत्या मारेगा उसको ले लेंगे। ये कहाँ एस्ट्रोनॉट, अच्छा ये, अरे यार गलत बंदे को मार दिया मेरे को, तो कन्फ्यूज हो रहा है यार। साइंटिस्ट नहीं था कोई और था, वो था शायद से ब्राउन वाला है ना, साइंटिस्ट नहीं था। और एक ये है एस्ट्रोनॉट, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इतने सारे लोगों में, पता चले वो लोग भी नूबड़ ही निकल जाए बाद में। तो पहले एस्ट्रोनॉट को मारना पड़ेगा सही टाइमिंग है, और पड़ गई लेकिन बच गया यार, टाइमिंग तो बहुत सही थी, बस वो बच गया, किस्मत अच्छी थी और इधर मैं बच गया। अभी इसको करेक्ट टाइम आना पड़ेगा, लेकिन लेजर इतने सारे आ रहे हैं ना गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। और लगता है वो बाहर हो गया, हाँ बाहर हो चुका है, लेकिन एक नूबड़ और बचा है और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अभी तक इमोट बचा के रख रहा है, तो लग रहा है तगड़ा ही मारने वाला है। किक तो मार दी मैंने इसको और मैं भी बच गया हूँ भाई, मैं क्या ही खेल रहा हूँ, इतना प्रो कैसे हो गया मैं, और जीत भी गया गाइस मैं, पता नहीं कैसे तुक्के में जीता हूँ सही बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले स्टंबल गाइस का गेम प्ले देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।